गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए जगह लीजिए फटाफट सब लोग, जल्दी से लाइव किया हुआ है। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। क्या क्या कोई परवाह नहीं पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए थोड़ा सा दो मिनट हम डिस्कस कर देते हैं सिलेबस के बारे में। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक। अरिथमेटिक और अरिथमेटिक का सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। दूसरी नंबर चीज, पहला नंबर अरिथमेटिक आपका है, दूसरा नंबर आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तीसरा जो आपका मैथ्स का सेक्शन है वो आपका एडवांस मैथ। चौथा जो आपका सेक्शन है वो आपका डीआई है, डीआई डीएस और प्लस में अस्टेटिक्स रेलवे वाला जो जोड़ा है, माध्यमादी का बहुलक डेविएशन, ये सारी चीजें आपका है ना। तो ये छोटा सा आपका है, ये लगभग आपका 10-15 दिन का क्लास आपका ये होता है ना। तो अभी हम लोग अर्थमेटिक का स्टार्ट करेंगे और अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए आपको अर्थमेटिक में दो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, एक मिलेगा वॉल्यूम वन और दूसरा आपको मिलेगा वॉल्यूम टू। आपका वॉल्यूम वन में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे रेशियो बेस्ड हैं। मतलब कह सकते हैं अर्थमेटिक को दो सेक्शन में बांट सकते हैं, जितने भी अर्थमेटिक में चैप्टर्स होते हैं उसको दो सेक्शन में, एक आपका रेशियो बेस्ड और दूसरा आपका हो गया परसेंटेज बेस्ड हो गया, परसेंटेज बेस्ड। तो वॉल्यूम टू के अंदर जो भी चैप्टर दिखेगा, बुक भी जो आपका वॉल्यूम टू का होगा उसमें परसेंटेज बेस्ड देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम वन में जो जो चैप्टर होंगे वो सारे के सारे रेशियो बेस्ड होंगे। अगर हम ये कहें कि अर्थमेटिक का दो गो बेसिक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो बिल्कुल सही है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है रेशियो पर और परसेंटेज पर। अगर ये दो बेसिक चैप्टर क्लियर हो गया तो आप समझ सकते हैं पूरा अर्थमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एडवांस का, तो एडवांस में जानते हैं क्या है, फॉर्मूला है और प्लस में थ्योरम है। अगर एडवांस बढ़िया करना है तो फॉर्मूला और साथ साथ थ्योरम को याद रखना पड़ेगा। रटे वाला चीज है ज्यादा, ऐसे कंसेप्चुअल बात भी है एडवांस में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रटना थोड़ा ज्यादा है। आप इतना जान लीजिए इस मेंसुरेशन उठाई, मेंसुरेशन में एक भी ऐसा सवाल आपको नहीं दिखेगा जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, सारे सवाल में फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, और इसमें रेशियो और परसेंटेज को बढ़िया कर लेना है, अर्थमेटिक बढ़िया हो जाएगा इसमें ही है। बाकी नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, आसान चीजें होता है इसमें। सिंप्लीफिकेशन होगा, एलसीएम होगा, स्क्वायर रूट होगा आपका, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, इक्वेशन टेस्ट होगा, इनइक्वालिटी होगा, ये सारे चैप्टर इसमें आते हैं है ना। डीआई डीएससी भी आसान होता है, कोई टफ नहीं है। स्टैटिक्स भी आपका आसान है, थोड़ा मेहनत दबा के करिएगा तो चीजें आसान है, और नहीं करिएगा तो उसके लिए हर छोटी चीज बहुत मुश्किल लगता है ना। तो शुरू किया जाए ना। और एक चीज और है, देखिए हम सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता डेमो में आपको कुछ हम तड़क भड़क या कुछ अच्छा चीज आपको पढ़ाते जो आपको बहुत अच्छा लगे, आप कहीं प्रलोभन में फंस जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि हम पहला दिन से ही अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देते हैं बिना देर के, मतलब पहला क्लास से ही क्लास में जुड़ना एकदम कंपलसरी होता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहां पर हेडिंग सब लोग लगा लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहला चैप्टर हमारा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बबलू, मनोज, सतेंद्र, बिमलेश, राजेश, निखिल, कुंदन, मुस्कान, बबलू,
अमरेश ठाकुर, चले नाम ले लिए कुछ लोग, है ना, नाम ले लीजिए। नाम में क्या रखा है यार, पढ़ाई करिए और डेली लाइव रही ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ठीक ना। लाइव का आनंद ही अलग है, ऐसा नहीं बाद में देखना है, बाद में वो तो मूवी हो जाता है। अंकुश सर का मूवी चल रहा है और मूवी का नाम है रेस्टोरेंट प्रपोजल। बाहर में मूवी होता है, क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते हैं, तो लाइव आप देखिए हर दिन 11 से 12 सवा 11 में लगभग क्लासेज आपका स्टार्ट होगा, है ना। बड़े तो सब हेडिंग सब लोग लगा लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो को अनुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं, ठीक है। एक चीज और देखिए, एक कॉपी रखिएगा फ्रेश, समझ में आ रहा है। कॉपी रखिएगा, ये थोड़ा दिखाइए पेपर, ये मतलब ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, मतलब सादा कॉपी, लाइनिंग वाले अपना अपना खैर लिखने का ही होता है, किसी को लाइनिंग पे लिखने में अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है इस पे, है ना, इस पे थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से मोटा सा कॉपी रखना है, ठीक है। आप पीछे में लिख रहे हैं, डेमो करना है क्या, है कोई बात नहीं, है ना, वो कैसे पटाना है वो हमको आता है नहीं, मतलब बहुत, हाँ ये होता है, जैसे कुछ विद्यार्थी बिना एडमिशन का होंगे, ऐसे मैक्सिमम विद्यार्थी का एडमिशन हो चुका है, कुछ विद्यार्थी बिना एडमिशन का होगा, आज कल दो दिन आपका अलाउ किया जा रहा है ना, आज कल में मेरा फुल हो जाएगा, आपका एडमिशन सीट फुल हो जाएगा, है ना, बचता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पीछे में लिख रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है आप डेमो पे हैं, कोई बात नहीं, है ना, आप बस शिद्दत से पढ़िए। और एक चीज, जितना आप सुन के आए हैं ना कि अंकुश सर ऐसा वैसा पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे उससे हम बेहतर देने का, समझ में आ रहा है, कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से बेहतर देने का। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर जितनी चीज को हम डेली पढ़ाएं उसको आप अब या स्टार्टिंग में 10 दिन ज्यादा नहीं, 20 मिनट लगभग अगर आप रिवीजन करके आते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाता है ना, तो 20 मिनट से 25 मिनट अगर डेली आप चीज को रिवाइज करके आते हैं, सवाल कुछ कराएंगे तो सवाल को आप बना के आते हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ रहा बात। मैथ रिवीजन का चीज है, पता है कोविड में मैं भी पांच महीने मैं भी बैठ गया था, पहला कोविड में मैक्सिमम टीचर लोग बैठ गए थे, जो लोग ऑनलाइन पे नहीं थे, फिर तो मैंने भी 5 महीने जब छोड़ दिया था ना, तो बहुत सारी चीज मेरे मन में आने लगे, अरे मैं तो ये चीज भूल रहा हूँ, ये चीज भूल रहा हूँ। सोचिए जबकि दिन भर में लगभग 15-15 घंटा हम इस चीज के प्रति पागल रहते हैं, मतलब दिन रात 15 घंटे जो है पढ़ाना मैथ मैथ मैथ, फिर भी 5 महीने में बैठ गया था, मैं मैक्सिमम चीज को भूल गया था, फिर जब 10 दिन पढ़ाए ना तो सारा चीज फिर याद हो गया, रिकॉल हो गया आपका। तो आप तो विद्यार्थी हैं, आप तो बहुत कम मेहनत करते हैं, ऐसा तो नहीं 15 घंटा मैथ पढ़ते हैं सारे विषय पढ़ते हैं, तो आपको बहुत जल्दी भूल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ्स को प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि स्कोरिंग पेपर है, इसमें अगर आप इसका एक सीमित है, पढ़ना इतना ही है, क्वेश्चन इतने से आता है, जीके जीएस ऐसा नहीं, जीके जीएस तो विस्तार है, मास्टर साहब भी एग्जाम में एट ए टाइम जाकर बैठेंगे, उनका भी कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, सच्चाई यही है, जीके जीएस की बात करते हैं। लेकिन मैथ्स में आप चाहे तो 100% आउट ऑफ 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सीमित चीजें हैं, इसीलिए आप सुने होंगे मैक्सिमम पे सीनियर से पूछिएगा, वो लोग बताता होगा कि मैथ्स बाबू स्कोरिंग पेपर, इसमें चाहे तो पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं एकदम, थोड़ी सी मेहनत करके। तो मेहनत करिएगा, रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो चीजें आसान होगा और मैथ्स भी आपसे बनेगा, है ना। और करना है, डेली करना है ना। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेशियो को हिंदी में हम अनुपात कहते हैं और प्रोपोर्शन को हिंदी में हम समानुपात कहते हैं, है ना। तो यहां पर कुछ कुछ चीजें मैंने सुंदर अक्षरों में एकदम लिख रखा है बड़ा, है ना, इसको भी आप लोग नोट करते ही चलेंगे, फिर हम लोग चीज को समझेंगे। जैसे सबसे पहला नंबर पॉइंट है रेशियो। रेशियो पता है क्या होता है, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात कहते हैं, दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय राशि का मतलब क्या, जैसे यहां पर अगर लिखा है 3 kg और इधर आपका लिखा है 800 ग्राम, क्या ये राशि समान है, नहीं है, ये केजी में है और ये ग्राम में है, इसको हम 3:800 नहीं कर सकते हैं। रेशियो तब बनेगा जब इन दोनों की जाति को आप समान करिएगा, मतलब 3 kg को आप लिख लीजिए 3000 ग्राम और ये आपका 800 ग्राम। अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों की जाति क्या हो चुका है, समान हो चुका है, सेम हो चुका है। आप ग्राम को कट करिए, 00000 कट गए, 2 से आप 15 times और 2 से 4 times, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये दोनों सजातीय राशि था, सिमिलर क्वांटिटी था, ग्राम में
और इसके बीच जो कंपैरेटिव रिलेशन होता है, तुलनात्मक जो संबंध होता है, वही क्या कहलाता है, एक दूसरे के बीच का रेशियो कहलाता है। रेशियो जो होता है वो किसी नंबर्स का या सजातीय राशि का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटा रूप होता है। आप देखें ना, यहां पर 300 था और यहां पर 800 था, हमने इसको कट करके सबसे छोटा किया, इसको हमने काटा तो 15 मिला और इसको हमने काटा तो 4 मिला, यानी इन दो संख्या के बीच का रेशियो कितना होगा, 15 और 4 होगा, है ना। रेशियो क्या होता है, तो संख्याओं के बीच का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सबसे छोटा रूप होता है, है ना। अगर कोई कहेगा यहां पर 17 और 51 है, इसका रेशियो बताओ, तो यहां पर इसको कट करेंगे, अगर कटेगा तो कट करेंगे 1:3 हो जाएगा। कोई बोलेगा 8:17 का रेशियो बताओ, तो यही हो जाएगा आपका, क्योंकि और ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, किसी से दोनों कट रहा है, नहीं कट रहा है आपका। तो रेशियो जो होता है वो दो सजातीय राशि के बीच तो संबंध होता ही है, साथ साथ किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गया बात है। यहां पर केजी, यहां ग्राम, जैसे दूसरी नंबर चीज, अगर यहां पर हम 4 दिन ले लेंगे, डे ले लेंगे, और यहां पर ले लेंगे 18 घंटा ले लेंगे, क्या यहां पर दोनों सजातीय राशि है, तो बोलेगा रेशियो बताओ, तो ऐसा 2:9 बोलेंगे, गलत हो जाएगा। 2 से 9 बार में 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि राशि समान नहीं है, जाति समान करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 24 घंटे, तो 4 दिन में 24 × 96 घंटे, तो यहां पर 96 घंटे बना लेंगे और यहां 18 घंटे हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए 6 से 16 बार में और 6 से 3 बार में, 16:3 ये सही होगा आपका। तो रेशियो जो होता है ना, वो सजातीय राशि के बीच का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। बढ़े आगे, तो ये इसका डिफिनेशन है, अंग्रेजी में डिफिनेशन है, कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज फॉर रेशियो। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेशियो जो होता है ना, देखिए रेशियो जो है वो यही है, रेशियो को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 3/8 क्या है, एक रेशियो है, इसको चाहे तो आप 3:8 भी लिख सकते हैं। पता है यही रेशियो का सिंबल है, ये रेशियो का सिंबल है। रेशियो को कहीं लिखना रहेगा 2 डॉट मार देंगे, ठीक है। इसको अंग्रेजी में आप इज़ 2 पढ़ सकते हैं, इज़ 2 पढ़ सकते हैं, 3:8, नहीं तो बोलेंगे 3:8, क्या पढ़ेंगे, 3:8, रेशियो को पढ़ेंगे इज़ 2, 3:8, नहीं तो 3:8, 3:8, नोट करिएगा इसको। चलिए अब आइए प्रोपोर्शन पे, देखिए पूरा ऐसा नहीं कि पूरा छाप लेना, जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना है ना। यहां पर नोट कर लेंगे, रेशियो भिन्न को भी हम रेशियो कह सकते हैं, मतलब 3/8 को हम 3:8 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चाहे तो 3/8 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। बढ़े आगे, इसको क्या पढ़ते हैं बोलिएगा, इज़ 2 पढ़ते हैं ना, 3:8। एक बात और जानिए आप सब लोग, एक बात और जानिए, यहां पर रेशियो है, और रेशियो में जो पहला पद है इसको कहते हैं पूर्व पद, आई बाद वाले को हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ पद। देखिए पूर्व मतलब पहले होता है, दीर्घ मतलब बाद होता है। रेशियो में जनरली 2 टर्म देखने को मिलेगा, एक को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं दीर्घ पद कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटेसेंट और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटेसेंट कॉन्सिक्वेंट, पूर्व पद दीर्घ पद, ठीक है, नोट करिएगा, उसको भी लिख लेंगे पूर्व पद दीर्घ पद, एंटेसेंट कॉन्सिक्वेंट। चलिए आगे, इसके बाद देखिएगा आगे, यहां पर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं समानुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में समानुपात कहते हैं। प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। 2 रेशियो लिख दीजिए ना, वही प्रोपोर्शन हो गया, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। इसको पता है क्या पढ़ते हैं, एज, क्या पढ़ेंगे इसको, एज, अंग्रेजी में इसको एज पढ़ सकते हैं, एज, उसको कहेंगे इज़ 2 और इसको कहेंगे एज। रेशियो को पढ़ते हैं इज़ 2 और इसको पढ़ते हैं एज, बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चल रहा है और हर लेवल तक लेके चलेंगे, है ना। तो यहां पर ये हो गया 3:8 और प्रोपोर्शन समानुपात, और समानुपात का सिंबल डबल रेशियो ऐसे होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एज। समानुपात का डिफिनेशन लिख लेंगे, 2 के बराबरी को समानुपात कहते हैं। इक्वेटिंग ऑफ 2 रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन।
दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं, दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। बबलू कुमार को मजा आ गया, अभी मजा कहां आएगा, मजा क्लासेज के लास्ट में या फिर कह सकते हैं दो चार दिन करिएगा तब मजा आएगा, अभी तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, है ना। यार अच्छी बात है, मजा लेना चाहिए हर चीज में, है ना। देखिए तो यहां पर दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर क्या है, ये रेशियो है, रेशियो है, ए अनुपात भी है रेशियो है, और ये भी क्या है रेशियो है, और दो रेशियो को जब हमने बराबर कर दिया तो इस क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा समानुपाती। दो रेशियो जब बराबर होता है तो उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अरे नाम ही है समानुपात, इस वर्ड को ब्रेक करिएगा तो हो जाएगा समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात मिला दीजिए समानुपात, समान अनुपात, समान अनुपात को समानुपात कहेंगे नहीं, तो दो रेशियो के बराबरी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, याद रखना दो रेशियो के बराबर को प्रोपोर्शन कहते हैं। यहां पर ये जो बराबर वाला सिंबल है ना, ये वाला बराबर वाला सिंबल, इसी के जगह पर एज लिखा जाता है, इसी के जगह पर समानुपात का चिन्ह दिया जाता है, है ना। तो सेम सेम है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो जाएगा, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। थोड़ा सा एक स्टेप यहां बढ़ाइएगा, एक स्टेप यहां बढ़ाइएगा, पहले यहां तक इतनी चीज आप लिख देंगे, लिख लिए, लिखते चलेंगे, इस समय बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, ये सब डिफिनेशन वगैरह, एग्जाम में डिफिनेशन थोड़ी ना पूछता है कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी होना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, जल्दी से इसको सट सट लिखते चलिएगा। बढ़ जाए, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो बताइए ए इज टू बी, इसको क्या हम ऐसे ए बाई बी लिख सकते हैं। अभी ऊपर में मैंने बताया था कि रेशियो ही भिन्न है, भिन्न ही रेशियो है, आप रेशियो को चाहे तो इस तरीके से भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर चीज है सी बाई डी, सी बाई डी, सी बाई डी, सी इज टू डी को सी बाई डी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, बराबर के जगह पर ये प्रोपोर्शन का साइन दिया जाता है। अब देखिए यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्या, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, देखिए ऐसे गुणा करिए तो आपका हो जाएगा ए इंटू डी, और इसको इधर लाके गुणा करिए बी इंटू सी, ये चीजें आपका हो गया। आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करिए, ये क्या है आप बताइए, तो ए गुना डी, ए गुना डी, ये ए गुना डी, ये बाहर वाला है क्या संख्या, ए सबसे आगे और डी सबसे पीछे, मतलब दोनों जो बाहर बाहर है ना वही संख्या ए है और डी है, डी है, तो यहां पर हो गया एक्सटर्म का प्रोडक्ट, एक्सटर्म का मतलब होता है बाहरी राशि, एक्सटर्म मतलब बाहरी राशि आपका, है ना, तो बाहरी राशि का प्रोडक्ट देख लीजिए ए गुना डी। अच्छा उधर देखिए b गुणा c, ये दोनों है क्या, आप बताइए ये दोनों अंदर में है कि नहीं है, जैसे ये दोनों बाहर बाहर हो गया, इसके अंदर में हो गया, और उधर देख लीजिए b गुणा c है, b गुणा c है, तो कहने का मतलब अगर कभी समानुपात दिया हुआ रहेगा, ऐसा कभी लिखा हुआ रहेगा, एक सवाल बनेगा यहां से, अगर कभी ऐसा दिखेगा, रीजनिंग में भी ऐसा सवाल देखने को मिलता है कभी कभी, है ना, तो अगर कभी ऐसा चार टर्म दे देगा, एक दो तीन चार समानुपात में दे देगा, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, इनर समझ रहे हैं, अरे आंतरिक राशि इनर, अब बाहरी राशि एक्सटर्म हो गया आपका, तो याद रखना है, देखो वही वही आया है, ए गुना डी एक्सटर्म का प्रोडक्ट, अब बी गुना सी इनर का प्रोडक्ट है, तो कहने का मतलब यहीं से ये चीजें निकला है और उसी को लिखा गया है, एक्सटर्म का प्रोडक्ट बराबर क्या होता है इनर का प्रोडक्ट होता है। तो आपको लिखना है ये जो लिखे है ना, इसी को आगे बढ़ाइए, फिर यहां लिखिए और फिर इसको लिख लेंगे एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इतना, इस चीज को छोड़ दीजिए, इसको तो ऊपर लिखिए लिया, इस चीज को आपने ऊपर में लिख रखा है, जहां तक जैसे जैसे समझाते जाओ उतना ही लिखना है, अपने मन से कुछ कुछ चीज कटेगा भी, कुछ फालतू भी लिखा हुआ है।
एक्सटर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट जो है लगेगा प्रोपोर्शन रहेगा तब, समानुपात में लगेगा, इनर का प्रोडक्ट बराबर एक्सटर्म का प्रोडक्ट, बाहरी राशि का गुणनफल बराबर आंतरिक राशि का गुणनफल। आप भाई साहब समझ रहे हैं? अच्छा अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा, एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा। सबसे पहला सवाल आपके बैच का ही है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा कोशिश करिए तो, क्योंकि बोहनी ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आ गया 15 आया, निकालिए और लो, 15 आ गया, अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे आंसर, कुंदन, सतंदर, अमर, प्रिया, रोशन, सुजीत पंडित, एक्स 15, ठीक है, सही बात है। चलिए मैं देख ले रहा हूं, यहां पर 3:x एज देखिए प्रोपोर्शन है 7:35, देखिए प्रोपोर्शन में कितने राशि होता है, चार गो होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चार में एक को बोलते हैं प्रथमानुपाती कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरे को बोलते हैं मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, तीसरे को बोलते हैं तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन, और चौथे को बोलते हैं चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन। एग्जाम में इस पे भी सवाल जम के बनता है, समझ रहे बात को? हाँ, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सब लोग देखिए, ये 3:x समानुपात 7:35 है, 1, 2, 3, 4 गो राशि है जिसमें से कोई 3 का मान दिया रहेगा और एक क्या रहेगा, अननोन रहेगा, तो उसी का मान निकलेगा। हमें पता है कि इनर का प्रोडक्ट बराबर होता है एक्सटर्म का प्रोडक्ट, अभी पहला कंसेप्ट हमने सीखा है, याद है सबको क्या था कंसेप्ट, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, बाहर राशि का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले राशि का गुणनफल। तो चलिए अंदर वाले को गुणा कर दिए तो हमने कर दिया 7x और बाहर वाले को गुणा कर दिया 3:35, कट रहा है जी दोनों साइड कट रहा है, तो 7 से ये कटेगा कितने बार में, 5 बार, बोलिएगा x का मान कितना, 3×5=15 आंसर हो जाएगा, 3×5=15 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ पूछ रहा है इसमें बोलिएगा, डाउट होगा पूछेंगे, पूछना मना नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबका आंसर सही है 15, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नोट करिएगा, ये सब जो स्क्रीन पर सवाल दिखेगा ये लिखना है, ठीक है, ये सब सवाल को लिखना है, बाकी मटेरियल आपको मिलेगा अगले मंडे को मटेरियल मिलेगा, अभी जरूरत भी नहीं है भैया, ये सब जो स्क्रीन पर दिखेगा ये लिखना है आपका, जो थ्योरी बताएंगे उस पर एक एक दो दो को सवाल यहां पर होगा, बाकी बुक में ढेर सारा सवाल होगा। ये सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया है, बस पहचानना है कि कौन सा समानुपात है, इसमें दिए गए ऑप्शन में से, नीचे दिए गए ऑप्शन में से समानुपात कौन सा सही आपको बताना है। चलिए देख लीजिए, समानुपात की परिभाषा क्या है, 2 के बराबरी को समानुपात कहते हैं, जिस रेशियो में इधर संख्या रहेगा उसी रेशियो में जब इधर भी रहेगा तो वो समानुपात में कहलाएगा। अब आपको 4 ऑप्शन में पकड़ना है कौन सा ऑप्शन समानुपात में है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में रेशियो क्या है, बराबर है। तो चलिए यहां पर देख लिया जाए, ए में चलिए इसको, इसका रेशियो बनाइए, रेशियो बनाने का सेंस है छोटा करिए, रेशियो क्या होता है, संख्या का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, छोटा रूप होता है, आप इसको काट के छोटा करिए ना, बोलिए 3 कटेगा 4 में और 3 कटेगा ये 3 में, 3×4 3×3 आप इन दोनों रेशियो काटिए, आप 4 काटिए 4 और 4×3 आप देखो दोनों साइड का रेशियो सेम हो गया क्या, और जब दो रेशियो सेम होता है उसी को तो कहते हैं प्रोपोर्शन, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पहचानना है, आपको पकड़ना है कि कौन प्रोपोर्शन में है, बाकी किसी और ऑप्शन में रेशियो सेम हो रहा है क्या, आप इधर देखिए क्या है 3:5 और ये क्या है, सेम है क्या, तो ये नहीं होगा।
आप इसको काट के छोटा करिए, इधर भी काट के छोटा करिए, सेम मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंपटीशन में सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ना कि मल्टीपल चॉइस होता है। मतलब ऐसा कंपटीशन में नहीं दिखा कि आपको दो ऑप्शन मारना है, तीन ऑप्शन मारना है। वो सब जेई वगैरह में देखने को मिलता है, आईआईटी ट्रिपल ये सब में, मेडिकल वगैरह में देखने को मिलता है, दो दो तीन तीन ऑप्शन सही होता है आपका। इसमें भी अगर कभी दो ऑप्शन सही होगा ना, ए नंबर और बी नंबर, तो सी नंबर में लिखा हुआ रहेगा ए और बी दोनों, ऐसे लिखा हुआ रहता है कंपटीशन। समझ रहे बात को? कंपटीशन में सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते, एक ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगर दो सूट कर भी रहा है ऑप्शन, तो वो सी नंबर में पक्का होगा ए और बी दोनों, तो मारेंगे किसको? सी को मारेंगे। कुछ पूछना है इसमें किसी को? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नोट करिएगा। थोड़ा कोशिश करिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी का आंसर आता है। रूट टू, क्योंकि प्रोपोर्शन ये इनर का मल्टीपल इक्वल टू एक्सटर्नल का मल्टीपल। एक बार ट्राई जरूर करिए, एक बार ट्राई जरूर करिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आंसर करेंगे, भाई आ गया, कितना आया? रूट थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री, अच्छा रूट टू किन का आया था? एक बार और चेक करिए सब लोग, देखिए बनेगा, कोशिश करिएगा जरूर बनेगा। कितना आया? रूट थ्री प्लस थ्री, अच्छा अच्छा इधर भी आ रहा है थ्री प्लस रूट थ्री। आप बढ़ाए उसको, बढ़ाइए, कोशिश करिए, गुणा करिए। लगता है थोड़ा स्लाइज करना है, नहीं लास्ट में मैं बताता हूं, सुनिएगा। नहीं बना कोई बात नहीं, सीखिए। यहां पर देखिए, इनर का प्रोडक्ट बराबर होगा एक्सटर्म का प्रोडक्ट होगा, है ना? देख लीजिए चार राशि है, रूट टू, ये बीच में समानुपात है, तो बताइए इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट होगा या फिर एक्सटर्म बराबर इनर? इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए बोलिए, एक्सटर्म को गुणा करके बताइए कितना होगा? अरे बोलो, रूट टू इंटू एक्स हो जाएगा। बाहर वाले गुणा करेंगे तो नहीं होगा रूट टू इंटू एक्स, फिर अंदर वाले को गुणा करिए, अंदर वाले को इन दोनों गुणा करिए। देखिए रूट छ इंटू, ये पूरा लिखेंगे एक साथ, इकट्ठा लिखेंगे कोष्ट में, लिखेंगे वन प्लस रूट थ्री। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बाहर वाले को गुणा किया हमने रूट टू गुणा एक्स, फिर अंदर वाले को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट सिक्स है। देखिए यहां पर इसे गुणा, ऐसे कोष्ट के बाहर कोई सिंबल नहीं रहता, गुणा ही होता है। अगर कोई लिखा है थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, कोष्ट के बाहर यहां पे कोई सिंबल है क्या? तो गुणा ही होता है, चाहे छोटी कोष्ट हो, बड़ी कोष्ट हो या मंझली कोष्ट हो, है ना? खैर, तो ये चीजें यहां पर है। हमने क्या किया, एक्सटर्म को गुणा किया, इनर को गुणा करके लिख दिया। देखिए कुछ कट रहा है क्या? रूट दो से कट रहा है ये, रूट दो से कट रहा है ये, रूट तीन बार। देखिए इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे, रूट छ का मतलब होता है रूट तीन गुना रूट दो होता है, रूट तीन गुना दो, छ मतलब तीन गुना दो। इसको अलग अलग करिएगा तो हो जाएगा रूट तीन गुना रूट दो, रूट तीन गुना रूट दो करेंगे तो रूट छ मिलेगा। अब बताइए इधर रूट दो था और उधर रूट छ है, तो रूट दो से रूट छ कटेगा रूट तीन बार। चलिए x का मान कितना होगा, इधर तो x बच गया, अब ये जो कोष्ट के बाहर में रूट थ्री है ना, ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई इस वन में भी होगा और ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई इस रूट थ्री में भी होगा, है ना? तो चलिए रूट थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री मिलेगा। कोई भी नंबर्स को वन से गुणा करिएगा वो खुद नंबर मिलता है, तो रूट थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा? रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर सुनिए, ये रूट थ्री और ये रूट थ्री, ये रूट थ्री और ये रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री जब करेंगे
कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, रूट 3 गुणा रूट 3 3 हो जाएगा आंसर। रूट वाला संख्या कभी भी दो बार गुणा होगा, रूट 3 गुणा रूट 3 तो रूट खत्म 3 हो जाएगा, रूट 7 गुणा रूट 7 तो याद रखिएगा 7 हो जाएगा। ये सब चीज को हम बताते चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, आप ईमानदारी से बस सीखिए, पूरा का पूरा क्लियर होगा। रूट 5 गुना रूट 5, जैसे एक ही रूट वाली संख्या जब दो बार गुणा होता है ना तो रूट खत्म हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा रूट 13 गुना रूट 13, रूट खत्म हो जाएगा 13, तो वही बात है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा के 3 हो गया, यही आंसर हो गया। 3 प्लस रूट 3 करिए या रूट 3 प्लस 3 करिए कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको पीछे करिए उसको पहले इसको पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मार देंगे। बड़े आगे कुछ पूछना है बोलिएगा, नहीं पूछना है बढ़ते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, शर्म लग रहा है पूछने में जी, हैं? डाउट रहेगा तो पूछिएगा, वैसे बड़ा कम में डाउट होगा, हम ये सारे बैच की वही स्थिति है, सब समझा देते हैं पहले ही, क्वेश्चन लिखिएगा लेकिन रहेगा तो पूछिएगा, ऑनलाइन वाले का भी कोई डाउट नहीं है। कविता, कविता को भी कोई डाउट नहीं है, सौरभ संदीप अमर, बड़े आगे थोड़ा एक बार ट्राई करिए, तो कुछ एक बार कोशिश करना है, 10-15 सेकंड का समय आपके पास है, कई बार टाइमर भी लगा देंगे आपके लिए, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, शायद 1/55 आंसर होगा, हाँ कितना आ रहा है, अच्छा 1/35, हाँ वो भी हो सकता है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, मैं बताता हूं फिर है ना, मतलब सवाल वही है बस ही लैंग्वेज के रूप में, क्वेश्चन वही है, प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है ना, लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही रेशियो है जो 3/7 का 5/9 से, रेशियो की बात कर रहा है ना, वह भिन्न ज्ञात करे, ऐसा करो ना आप भिन्न को कुछ मान लो, आप भिन्न को कुछ मान लो x, x बता y भी मान सकते हैं, सिर्फ x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जब भिन्न रहेगा तो x बटा वाई ये मानेंगे, बहुत लोग की मेंटलिटी ऐसा होता है कि सर x बटा वाई ही मानेंगे, है ना, इसको अभी हम लोग तब मानते हैं जब क्वेश्चन में कभी अंश और हर का कुछ चर्चा रहता है, सवाल में बोलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर में जोड़ा घटाना ऐसे कुछ रहेगा, आगे मिलेगा आपको, है ना, तो उसमें हम लोग दोनों मानते हैं, ये कंपलसरी होता है, यहां पर वैसा कुछ नहीं है, सिंपली भिन्न को आप x भी मान सकते हैं, अगर आपका मन है x बटा वाई मानने का तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले तो हमने मान लिया x, क्यों दो वेरिएबल माने x y, हमने x मान लिया, अब देखिए वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही रेशियो है, सुनिए x का 1/27 से वही रेशियो है, x का इसके साथ 1/27 1/27 के साथ वही रेशियो है, मतलब रेशियो उतना ही है जितना 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 मतलब बराबर कर देंगे, बराबर 3/7 का 5/9 से है, 3/7 का 5/9 से, मतलब जितना रेशियो 3/7 का 5/9 से है ना, सेम रेशियो x का 1/27 से है, यानी कुछ नहीं करना है, x अनुपात 1/27 बराबर
3/7 अनुपात 5/9 ऐसे कर देना है। अगर आपको मन है कि हम बराबर ना लिखेंगे तो बीच में बराबर के जगह पर क्या सिंबल दे सकते हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल दे सकते हैं, बराबर के दो रेशियो जब दोनों साइड होता है ना तो बराबर के जगह पर प्रोपोर्शन आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये समझ में आया कैसे सेट किए, बेन का उसके साथ जो रेशियो है, रेशियो की बात हो रही है यहां पर। कुछ लोग जानते हैं यहां पर का मतलब गुना समझते हैं, गलत सोच है, रेशियो की बात हो रही है यहां पर, रेशियो होगा इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो बराबर है। आप बोलिए जी अब ये क्या हो गया, अभी प्रोपोर्शन नहीं हो गया, अब प्रोपोर्शन हो गया तो आपने क्या पढ़ा है, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल का प्रोडक्ट पढ़ा है ना, आंतरिक राशि का गुणनफल बराबर बाहरी राशि का गुणनफल। चलिए बाहर बाहर को गुणा करिए, सारे विद्यार्थी बताइए बाहर वाले को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइपेक्स को एक्स, 5/9 को एक्स से गुणा करेंगे तो 5/9 इंटू एक्स होगा क्या। अच्छा इनर को गुणा करिए तो 1/27 और गुणा में 3/7 हो जाएगा, अरे होगा हाँ। अब चलिए इसको कट मारिए, काटिए हाँ, 9 × 3 = 27 तीन बार में खत्म, अब फिर ये 3 × 3 खत्म नहीं हुआ। देखिए नीचे गुणा में, गुणा में गुणा में है दोनों साइड, तो याद रखना नीचे से नीचे कटेगा ऊपर से ऊपर भी कट सकता है। तो हमने 9 से काटा 27 को 3 बार में, ऊपर का 3 नीचे का 3 खत्म। बोलिए एक्स का मान पूछता है, एक्स के साथ गुणा में 5 है ना, तो बराबर के इस तरफ जो संख्या गुणा में होता है वो उधर भाग में जाता है, गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा, प्लस का साइन प्लस में रहेगा उधर माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा उधर प्लस में जाएगा, मतलब अपोजिट साइड एलएचएस से आरएचएस में जाए, आरएचएस से एलएचएस में जाए, चिन्ह बदल जाता है, गुणा से भाग में जाएगा, भाग से गुणा में, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, याद रहेगा हाँ। तो ये पचवा जाएगा नीचे, अरे गुणा है तो भाग में जाने का मतलब नीचे जाना, ऊपर बोलिए क्या है भाई, सब लोग बोलिए 1। आइए 5 जब नीचे जाएगा, 7 पहले से है तो 5 × 7 = 35 यानी 1/35 बिल्कुल सही जवाब, 1/35 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन अलग थोड़ी ना है, बस वहां पर ये चीज डायरेक्ट लिखा था और यहां पर उसी चीज को भाषा के रूप में लिखा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर सबका सही है, कुछ पूछना है इसमें किसी को बोलिएगा, उधर क्लियर है। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नहीं अब कुछ थ्योरी हम लोग देखेंगे है ना, लगभग 10-12 को फॉर्मूला यहां पर देखना है। देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग कुछ सवाल प्रोपोर्शन पे किए और बाकी बहुत सारा सवाल प्रोपोर्शन का बुक में देखने को मिलेगा। मतलब देखिए पढ़ाने का तरीका में ये होता है, सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखते हैं, जो मेजर मेजर चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं जिसका जरूरत पड़ता है सवाल बनाने में, वो सारी चीज को हम देखते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि ये वीक में आपको जो है अब बुक का जरूरत नहीं है, है ना, बुक का जरूरत मंडे से आपका पड़ेगा, तो अभी यहां पर चीज को देखिएगा, थ्योरी देखेंगे, कुछ कुछ सवाल एक दो सवाल उसमें हम लोग करते चलेंगे है ना, और बाकी सवाल बुक में ढेर सारा मिलेगा, टाइप वाइज सारा सजा हुआ है, Type 1, Type 2, Type 3, टाइप में भी आपका Nature 1, Nature 2, Nature 3, Nature 4 ऐसे सब सजा हुआ है आपका सिस्टमेटिक वे में। आपका देखिए संख्या यहां पर दे रखा है ए और बी, दो संख्या दे रखा है ए और बी है ना, एग्जाम में भी दो को संख्या ए और बी के जगह पे कुछ कुछ दिया रहेगा, 10 और 25 ऐसे दिया रहेगा आपका कुछ। अब पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा ए और बी का मध्यानुपाती, इसको कहते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन है ना, ए और बी दो संख्या देके आपसे पूछेगा उसका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी, थोड़ा हम चीज को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे साइड में छोटा छोटा प्रूफ इसका है वो हम कर दे रहे हैं, बाकी इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आइए यहां पर देखिए, ये ए और बी दो संख्या दिया है और मध्यानुपाती हमसे पूछ रहा है, प्रोपोर्शन में कितनी राशि होती है, 4 ABCD 4 गो होता है, इसलिए 4 गो तक सवाल आता है, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती है ना। तो देखिएगा यहां पर ध्यान देंगे, ए और बी दो संख्या दिया है तो यहां पर ए लिखेंगे शुरू में और फिर यहां पर एक्स लिखेंगे, फिर एज या प्रोपोर्शन, फिर एक्स और फिर यहां पर बी,
प्रोफेसर ई कैसे आपने लिख दिया? एक बात जान लीजिए, ए और बी दो को दिया है, सुनिए ध्यान से ऑनलाइन वाले बच्चे, ए और बी दो को दिया है ठीक ना, और तीसरा हमसे निकालना है, तो जो निकालना है उसको हमने एक्स मान लिया। तो देखिए दो को दिया है, ए को निकालना है, तो कै गो हुआ डाटा, तीन को, अगर इसको हम लिखेंगे तो तीन को डाटा, लेकिन प्रोपोर्शन में कितने होते हैं, चार राशि होता है, प्रोपोर्शन में चार गो जगह होता है, प्रोपोर्शन में चार गो जगह होता है। अब चार गो जगह पर इन तीन चीज को एडजस्ट करना है ना, तो याद रखिएगा कभी भी चार जगह पर तीन को एडजस्ट करना हो तो बीच वाले को दो बार रिपीट करके लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है प्रोपोर्शन लिखने का। चार प्रोपोर्शन में चार राशि होता है, आपने पहले पढ़ा है, और हमको तीन गो को एडजस्ट करना है, ए और बी दिया हुआ है और एगो निकालना है, उसको एक्स मान लिया। अब तीन जगह पर एडजस्ट करना है तो बीच वाले को रिपीट करके लिखना होता है, समझ आ रहा बात। और मध्यानुपाती हमसे पूछ रहा है तो मध्य वाला पूछ रहा है तो मध्य वाले को एक्स मान लिया, और यही चीज यहां भी रिपीट होता है, ये दोनों रिपीट होगा तब चार को लिखा पाएगा। अब चलिए बताइए, इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, आपने पढ़ा है ना, तो इनर वाले गुणा करिए, एक्स गुणा एक्स टू एक्स है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स और प्लस एक्स करेंगे, एगो एक्स और एगो एक्स जोड़ेंगे तब टू एक्स, लेकिन वही एक्स गुणा एक्स करेंगे, पावर वन है बीच में गुणा, तो पावर जुट जाता है, बेस बराबर बीच में साइन गुणा पावर जुट जाता है, एक एक दो एक्स स्क्वायर हो जाए, गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, जुटेगा तो एक्स एक्स टू एक्स, है ना, ये कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है ऐसा। तो चलिए भाई बताइए, इधर हो गया एक्स स्क्वायर, अब बाहर वाले गुणा करिए, ए बी ए बी, तो आप बता दो एक्स का मान अंडर रूट ए बी, स्क्वायर जाता है उस तरफ रूट में, तो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, मध्यानुपात रूट अंडर ए बी निकल गया। एग्जाम में प्रूफ नहीं मांगता है, कैसे होता है एग्जाम में डायरेक्ट इसको अप्लाई करना होता है, फिर रट लेना है सब फॉर्मूला, रूट अंडर सी डी हो जाएगा, सी और डी का पूछेगा रूट अंडर सी डी, पी और क्यू का पूछेगा रूट अंडर पी क्यू, 18 8 का पूछेगा रूट अंडर 18 8 44 144 का फॉर्मूला 12, जल्दी से लिखिएगा। हाँ भाई बोलिए, पिछला क्वेश्चन अभी आपको याद आ रहा है, बोलिए, 1/27 इज टू एक्स, नहीं ना, पहले पूछ रहा था वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है, मतलब जो पूछ रहा है वो पहले है, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा और तेज बोलिए। मतलब एक्स को पीछे कर रहे हैं, नहीं ना करेंगे, हमसे पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात करे, जो पूछ रहा है वो पहले है तो उसको पहले ही रखेंगे, हाँ तब जो पूछेगा, नहीं हमसे पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात करे तो उसको पहले ही रखेंगे ना, पीछे कर देंगे तो आंसर पता जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं, दो नंबर प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती ए और बी दो संख्या देके आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, तो देखिए फॉर्मूला तो आप यहां पर देख लिए कि ए स्क्वायर बटा बी होता है, कैसे आ रहा था इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं। यहां पर देखिए हमसे पूछ रहा है प्रथमानुपाती, यानी शुरू वाला पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी को हमने एक्स मान लिया, शुरू वाला ही पूछ रहा है और उसके बाद ए और बी संख्या दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए, तो जन्मे करते रिपीट होता है, अब फिर यहां पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, शुरू वाला पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको एक्स, ई वाला थोड़ी ना दो बार रिपीट होता है, जो यहां लिखा था वो रिपीट होता है, ए ए रिपीट, मजबूरन रिपीट करना पड़ेगा, पहले ए है तो फिर ए ए ही रिपीट होगा, बी पीछे चल जाएगा आपका। चलिए इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, बोलिए क्या होगा जी, बाहर वाले गुणा करिए बी एक्स और अंदर वाले गुणा करिए ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ये छोटा छोटा प्रूफ है सबका, लेकिन ज्यादा फोकस करना है इसको याद करने पर, आजकल जानते हैं अभी के एग्जाम में 2022 में बहुत सारे एग्जाम में आपका पूछा गया, चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा है आपका, सीएचएसएल हुआ उसमें पूछा है सवाल आपका, एनटीपीसी मेंस हुआ है उसमें भी सवाल इस पे पूछा गया आपका। बड़े आगे
बताइए प्रथमानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, पहल का जो है ना ये उसका स्क्वायर करके और दूसर का से भाग देना है, ए स्क्वायर बटा बी, पहल का स्क्वायर कर रहा है और दूसर का से भाग दे देना है। तीसरा फॉर्मूला लिखिएगा यहां पर, तीसरा फॉर्मूला ए और बी का तृतीयानुपाती लीजिए। इस बार ए और बी का तृतीयानुपाती पूछ दिया, तृतीयानुपाती पूछ दिया। देखिए भाई यहां पर ए और तृतीयानुपाती पूछ दिया, तीसरा वाला पूछ दिया, तीसरा नंबर वाला, तो बी को तो यहीं पे लिखना पड़ेगा मजबूरन। क्यों? अगर यहां पर एक्स लिख देते फिर वो मध्यानुपाती हो जाएगा। तो ए और बी दो गो दिया है, तीसरा वाला पूछ रहा है, तो ए को लिखेंगे बी को लिखेंगे। आ देखिए तीन गो डाटा को जब चार जगह पर सेट करना होता है तो ये नियम है, इसको रिपीट करते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स कहां चल जाएगा, चौथे नंबर पर चल जाएगा। इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्म का प्रोडक्ट, तो एक्स बराबर क्या बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर बी स्क्वायर बटा ए, यानी प्रथमानुपाती से तृतीयानुपाती उल्टा है। प्रथमानुपाती में ए स्क्वायर बटा बी होता है, आई तृतीयानुपाती में क्या होता है बी स्क्वायर बटा में ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। डेली कितने बजे लाइव, 11:15 आपके पास नोटिफिकेशन भी चल जाता है। तृतीयानुपाती बीच वाले को गुणा करेंगे बाहर वाले को, तो ए और बी का तृतीयानुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। क्लियर है बात, ये कुछ पूछना है बोलिएगा, नहीं पूछना है। ये देखिए यहां पर ए बी और सी का चतुर्थानुपात, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन जब पूछेगा तो तीन संख्या देगा एग्जाम में, ए बी सी यहां पर तीन संख्या देगा। तो बोलिए पहला क्या दे रखा है ए, और दूसरा क्या दे रखा है बी, और बड़ी बात है तीसरा भी दे रखा है सी, और चौथा पूछ रहा है। यहां पर चार गो तो पूरी गया, तीन गो दिया है, वो पूछ रहा है चार गो पूरी गया, तो बीच वाले को रिपीट थोड़ी ना करेंगे। रिपीट कब करते हैं जब चार जगहों पर तीन को सेट करना होता है, तब ए दिया है बी दिया है सी दिया है चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो चौथी जगह पर एक्स मान लिया। बोलिए बीच वाले को गुणा करेंगे बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। बोलिए एक्सटर्म का प्रोडक्ट क्या होगा जी, ए एक्स, और इनर का प्रोडक्ट बी गुणा सी। आप बताओ एक्स का मान क्या होगा, बी गुणा सी बटा में ए हो जाएगा। प्रॉब्लम देख लीजिए यहां पर, तो याद रखना है आपको ए बी और सी अगर तीन संख्या देके फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो b गुणा सी बटा में a करते हैं, पीछे वाले दोनों संख्या को गुणा करके और a से क्या करते हैं भाग करते हैं। समझ में आया, नीचे वाले को मत लिखिए अभी। तो पहली नंबर चीजें ये है कि कोई और आपके विद्यार्थी अगर छोटे फटके अभी रह गए हैं ना, तो उनको आप कल पकड़ के लेते आइएगा, ठीक है। एक दो दिन अभी क्या होता है चीज को रिकॉल किया जाता है, जैसे कल आप आइएगा तो शुरुआत का 5 मिनट यहां तक फिर से हम रिवाइज करेंगे, तो कल कुछ और विद्यार्थी, 2-3 दिन तक ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग रनिंग पे चल जाते हैं। दूसरी नंबर चीज ये, यहां तक जो मैंने अभी पढ़ाया है इतनी फॉर्मूला और ये क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके आइए। एक बात का मैं दावा करता हूं, अगर आप डेली रिविजन करके आइएगा 20-25 मिनट पढ़ करके, तो आपको एक बड़ा प्रेशर भी नहीं आएगा, लोड भी नहीं आपके माथे के ऊपर आएगा। और दूसरी नंबर चीज ये है कि चीजें आपका सिंपल होता भी चला जाएगा, क्लियर भी होता चलेगा। अगर आप आज की बात को कल पे छोड़ देते हैं, परसों पे छोड़ देते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा। 10-20 दिन छोड़ दिया तो आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा आपका, फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए, एक रूटीन में पढ़ाई करिए, बहुत बेहतर करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपने आप पर विश्वास रखिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही।
चलिए अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पीडीएफ जो है आज नहीं कल शाम तक डल जाएगा पीडीएफ, है ना। रीजनिंग का क्लास, रीजनिंग का क्लास कुछ किए थे जी? कुछ किए थे। रीजनिंग का क्लास आपका इससे पहले स्टार्ट हुआ 10 बजे से, अगर किसी को करना होगा कल जाइएगा, हम सर को बोल देंगे आज वाली बात को रिकॉल कर देंगे, है ना। पीछे वाले बिल्डिंग में चलता है, पीछे वाले बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर पे ऑफिस में जाइएगा, जिनको लोकेशन नहीं पता रहेगा लोग पहुंचा देगा या फिर लोग बता देगा। रीजनिंग की क्लासेज हमारे क्लास से जस्ट पहले स्टार्ट हुआ, आज नया बैच रीजनिंग का भी था और ये मैथ्स का भी आपका। ऑफिस में मिल लीजिएगा, ठीक है, वो लोग बता देगा वहां पर जाकर। पीछे वाले बिल्डिंग में ही है, चौथे तल्ले पर है। थोड़ा साइड हो जाएगा, आप लोग उधर से निकल जाइए।